एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में साबित किया बहुमत, 164 वोट मिले, विरोध में पड़े 99 वोट, 144 विधायकों को की जरूरत थी। कांग्रेस के 10 विधायकों ने नहीं डाला वोट, एसपी एआईएमआईएम के 2-2 विधायकों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट डाल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दी बधाई, कहा शिंदे ने न्याय की लड़ाई लड़ी, एकनाथ जनता के सेवक। फडणवीस बोले एकनाथ सच्चे शिवसैनिक, शिवसेना के लिए उन्होंने बहुत काम किया। महाविकास अघाड़ी का फैसला, अजीत पवार को बनाया विधानसभा में विपक्ष का नेता, बोले 40 विधायकों वाला सीएम बना, 100 वाला डेप्यूटी सीएम। सुप्रीम कोर्ट से भी शिवसेना को झटका, एकनाथ शिंदे और भरत गोगावले के खिलाफ आज सुनवाई करने से इनकार। एकनाथ शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने उद्धव गुट के 16 विधायकों को जारी किया नोटिस, व्हिप के उल्लंघन का आरोप। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा शिंदे सरकार के पास असंतुष्टों की बड़ी फौज, 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी सरकार, मध्यावधि चुनाव के लिए रहें तैयार। संजय राउत का बयान, कहा शिवसेना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे की जिला प्रमुखों के साथ बैठक, बीएमसी चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। सामना में संजय राउत ने गवर्नर कोश्यारी पर शिंदे और फडणवीस को मिठाई खिलाने पर किया तंज, कहा उद्धव सरकार जब बनी थी तो शायद मिठाई की दुकान हो गई थी बंद। शिवसेना को एक और बड़ा झटका, विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति की गई रद्द। एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता और भरत गोगावले चीफ व्हिप घोषित हुए, दोनों की नियुक्ति को महाराष्ट्र सचिवालय ने मंजूरी दी। बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इतनी सुरक्षा तो आतंकी अजमल कसाब के पास भी नहीं थी। आदित्य ठाकरे ने बागियों पर साधा निशाना, कहा पार्टी छोड़कर गए विधायक हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे, जनता का कैसे करेंगे सामना। उद्धव ठाकरे के 10 से 15 बागी विधायकों के संपर्क में होने के बयान पर शिंदे का पलटवार, कहा नाम बताएं हम आपके पास भिजवा देंगे। शिंदे बोले बाला साहब के विचारों पर चलेगी बीजेपी शिवसेना की सरकार, ये पहली बार है कि नई सरकार बनाने के लिए सरकार छोड़नी पड़ी। राहुल नार्वेकर की जीत के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा को एक साल बाद मिला स्पीकर, नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद से खाली था ये पद। राहुल नार्वेकर के विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बैंड बाजे के साथ डांस और आतिशबाजी की। राहुल नार्वेकर विधान परिषद अध्यक्ष और एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराजे निंबालकर के दामाद हैं। रामराजे निंबालकर शरद पवार के करीबी हैं। देवेंद्र फडणवीस बोले राहुल का विधानसभा स्पीकर बनना सम्मान और सौभाग्य की बात है, सबको न्याय दिलाना ही स्पीकर का काम है। वहीं छगन भुजबल का अमित शाह पर तंज, कहा विश्वनाथन आनंद भी अमित शाह के साथ नहीं खेलेंगे शतरंज, उनकी चाल से वो भी हो जाएंगे कंफ्यूज।